पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इतफाक नहीं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीख खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है, हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकूबी करेंगे। पीटीआई के इंतखाबी निशान का मामला, इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की पेशावर हाईकोर्ट के फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। फैसले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला, अदालत से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। वफाक में रहने वाले तमाम हुक्मरान कौमी मुजरिम हैं, शहबाज शरीफ ने 1.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ आवाम के लिए नहीं बल्कि अपने केसेस खत्म करवाने आए हैं, बानी पीटीआई सदारती निज़ाम लाकर बादशाह बनना चाहते थे। सरबरा तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक। सिंध में ना किसी का हक खाया और ना ही आइंदा खाने देंगे, मकसद मुल्क और सूबे की खिदमत करना है। इंतखाबात की भरपूर तैयारी जारी है, हुकूमत के पास हर मसले का हल नहीं होता, मुखालिफीन की परवाह नहीं, 8 फरवरी को उन्हें जवाब मिलेगा। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन। इंतखाबी मुहिम, सियासी जोड़ तोड़ का मौसम, नून लीग का कराची मिशन, एमपीएम और नून लीग की बहादुराबाद में बड़ी बैठक, सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू, NA 242 समेत दीगर नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हक में फैसला नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून और MPM के दरमियान एक और मुलाकात शेड्यूल, आइंदा बैठक में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसला होने का इम्कान। कराची में शहबाज शरीफ की पीर पगारा से मुलाकात, नून लीगी सदर ने पीर पगारा को नवाज शरीफ का तहनीती पैगाम दिया। दोनों जमातों का इंतखाबात में एक दूसरे की सपोर्ट करने का फैसला, इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे, दोनों जमातों में इतफाक। सिंधी अहम शख्सियात जाम कायम और जाम करम मुस्लिम लीग नून में शामिल, जाम काम और जाम करम ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अहम रहनुमाओं की शिरकत से सिंध में तरक्की का सफर तेज करने में मदद मिलेगी। और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी, मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर की बजाय 13 जनवरी तक होगी। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराजात 16 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे, ट्रिब्यूनल्स 20 जनवरी तक एतराजात पर फैसला कर सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी होगी। जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई, इलेक्शन कमीशन का ऐलान है।